हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है उन लोगों के लिए जो चाहते तो हैं उठना सुबह लेकिन उठ नहीं पाते हैं, जो कुंभकर्ण की तरह हमेशा सोते रहते हैं, चाह के भी नहीं उठ पाते हैं, हमेशा अलार्म सेट करते हैं, उसके बाद उसको स्नूज कर देते हैं या ऑफ़ कर देते हैं। तो पॉइंट है कि अर्ली मॉर्निंग क्यों जगा जाए। यहाँ पे दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं, एक तो आप अपने या तो टाइम पे नहीं उठ पा रहे हैं और एक सुबह नहीं उठ पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है सुबह उठना। अगर आपसे 3 बजे कहा जाए तो वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आप उस समय कैसे उठ पाएंगे, क्योंकि आपसे अगर 7-8 बजे कहा जाए तो उस समय आपको सिंपल आराम से भी उठ जाएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए जो 3 बजे 4 बजे सुबह उठना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता दे रहा हूँ, जो रात को पढ़ते रहते हैं चाहे रात को काम करते हैं और जो सुबह उठते हैं अपना काम करते हैं, तो उनमें अंतर क्या है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो रात को जगते रहते हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं, वो भी सक्सेस होते हैं, लेकिन फाइनली जो रिजल्टेंट होता है वो जो सुबह उठते हैं उनमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि जो रात में जगते हैं, अगर आप 2 बजे दिन से अगर काम करना शुरू कर रहे हैं तो 12 बजे रात तक आप जगे तो कम से कम आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, जिससे 12 घंटे आपकी बॉडी काम करती रही, आपने इस और उस बॉडी को रेस्ट नहीं दिया। अगर आप रेस्ट दे भी रहे हैं हाफ आवर या कुछ भी 10-5 मिनट अगर आप उसको सोने के लिए दे रहे हैं, लेकिन उसको रेस्ट नहीं मिला उतना जितना चाहिए था उसको, तो आपकी बॉडी 12 घंटे लगातार काम करेगी और फिर धीरे धीरे बॉडी की जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और लोगों को लगता है कि रात में शांति रहती है इसलिए दिमाग काम अच्छा करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और जो सुबह उठते हैं उनका फ़ायदा मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप 2 बजे पढ़ना शुरू कर रहे हैं और 2 बजे पढ़ते 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 आप अगर 9 बजे सो जा रहे हैं, 10 बजे सो जा रहे हैं, तो इससे बॉडी को एक गैप मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप 3 बजे उठ रहे हैं तो 3 बजे से 6 बजे तक, अगर आपकी क्लास 6 बजे के बाद है तो 3 से 6 बजे तक ये आपको टाइम पीरियड मिल गया आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने का, और इस टाइम पीरियड में आप वो काम कर सकते हैं जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट लगता होगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो दिमाग की एफिशिएंसी होती है वो मतलब 100% होती है। हर चीज़ 100% तो नहीं होती है, तो मतलब 100% मान के चलते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग जो होता है पूरी तरह से एक रीस्टार्ट होता है, जैसे एक कंप्यूटर जो होता है स्टार्ट होता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती है। अब उसमें धीरे धीरे हम चलाते रहेंगे तो कुछ मतलब रिफ्रेश करना पड़ता है, ये वो वायरस वगैरह स्टार्ट होने लगते हैं, तो वही होता है हमारे दिमाग के साथ। तो 3 से 6 का जो टाइम पीरियड्स में दिमाग जो होता है सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा तो रेजोनेंस में पढ़ा होगा कि 2 वेव होती हैं, वो अगर एक साथ अगर मैच कर जाए तो जो उसका प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वही नेचर के साथ हम जिस फ्रीक्वेंसी से चल रहे होते हैं उसी फ्रीक्वेंसी से नेचर चल रहा होता है, तो दोनों अगर एक ही मतलब वेव में आ रहे होते हैं तो प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए सुबह उठने से फ़ायदा होता है। तो उसी के लिए एक वीडियो बनाई है मैंने, और सबसे सिंपल सी एक ऐप है जिसका नाम है अलार्मी, और वो ऐप आपको दिखा दे रहा हूँ। वो ऐप ये है, तो अगर आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर से दिखा दे रहा हूँ कैसे करेंगे। प्ले स्टोर पे सिंपल सा अलार्मी लिखना है, और कुछ लिखना नहीं है, अलार्मी लिखा हुआ है, मैंने भी पहले से इंस्टॉल है। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला व्यू जो आता है, विच अलार्म सूट यू, आपके लिए कौन सा अलार्म चाहिए। तो आप ऑब्वियस सी बात है सिंपल अलार्म तो आपको चाहिए नहीं, तो इसको करते हैं वुड फाइन टूमोर। और आप कैसा चाहते हैं कि आप कभी नहीं उठते हैं या कभी उठते हैं या हमेशा उठ जाते हैं, तो ये तो आप थर्ड ऑप्शन तो आपके लिए है नहीं, सेकंड आप चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मैं फ़र्स्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद चैलेंजिंग, उसके बाद फर्स्ट ही ऑप्शन रखते हैं सारे। और उसके बाद इसका सबसे बेस्ट पॉइंट यही है कि इसमें आपको जैसे ही अगर कोई अलार्म बंद करना है इसका, तो अलार्म बंद करने के लिए आपको इसके 3 प्रॉब्लम मैथ्स के सॉल्व करने होंगे, वो भी इजी से प्रॉब्लम है। और अगर ये प्रॉब्लम आप इजी से प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो अलार्म आपका बंद नहीं होगा, आप चाहे मोबाइल को
बंद लॉक कर दीजिए, चाहे मोबाइल का साउंड है वो कम कर दीजिए। साउंड अगर आप कम कर रहे हैं तो वापस वो ऑटोमेटिकली साउंड को तेज कर देगा। अगर आप उसके साउंड को अगर क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप चालू हो जाएगा। और इसमें एक और फ़ायदा, इसमें जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा तेज बजते हैं। तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक और मेन फ़ायदा है ये कि आप में इसमें मैथ्स के प्रॉब्लम से नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तो पहला ये डिफ़िकल्ट डिफ़ॉल्ट जो आप अपने मोबाइल में देखते हैं, एक ये शेक है। शेक में अगर आप इस मोबाइल को 30 बार अगर शेक करेंगे तब जाके ये बंद होगा अलार्म। तीसरा है बारकोड। आप कोई बारकोड स्कैन करके, अगर आप मान लीजिए आप अखबार में बारकोड होता है या आजकल पेटीएम में बारकोड वगैरह आने लगे, तो उसको एक बार स्कैन कर लीजिए जिससे मोबाइल में सेव हो जाएगा। उसके बाद जब अलार्म बजेगा तो उसी बारकोड को आपको स्कैन करना पड़ेगा, मोबाइल स्कैन करेगा, उसके बाद अपने आप मोबाइल बंद हो जाएगा। और तीसरा है ये टेक अ पिक्चर, ये आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि इसमें क्या करना है कि एक कोई सी भी कहीं से भी एक फ़ोटो खींच लीजिए। तो मान लीजिए मैंने ये एक फ़ोटो खींची, ठीक है। अब इस फोटो को सेव कर लेते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं ये मैं प्ले तो देखा दोस्तों कि मैं अगर गलत पिक्चर ले रहा था तो मोबाइल बंद नहीं हो रहा था। तो ये क्या इसका सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपको वही फ़ोटो खींचनी पड़ेगी जो आपने खींची है, जो आपके मोबाइल में सेव है। तो एक ऐसा ऐसी फ़ोटो खींचिए जैसे मैं अभी देख रहा था, यहाँ पे 3 बार मेरे को फ़ोटो खींचनी पड़ी जबकि पोजिशन वही थी, लेकिन जो मोबाइल में सेव है वो कुछ थोड़ा सा उसका जो फ्रेम है, फ्रेम के चलते कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आप एक सिंपल सी फ़ोटो खींच लीजिए जो आपके पूरे फ्रेम में आ रही हो एक बार में, जिससे दिक्कत ना हो। और लास्ट वाला जो चीज़ है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो इसको ओपन करते हैं। तो इसको सबसे ईजीएस्ट प्रॉब्लम में करता हूँ मैं। तो मान लीजिए अगर इस लेवल की प्रॉब्लम अगर आप रख रहे हैं तो कैसे इसको एक्टिवेट करें, तो इसको एक्टिवेट करते हैं। तो देखा दोस्तों यहाँ पे ये प्रॉब्लम, ये जो अलार्म है तभी बंद हुआ जब आपने 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अगर आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे तो तुरंत मोबाइल बेड पे चले जाएंगे, तो इससे भी हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है और भी जो ब्रैकेट वगैरह में आएगी, तो उस तरह से आप अलार्म को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस अलार्म का यूज़ कर सकते हैं। और ये टाइमिंग वगैरह तो आपने सीखा होगा, उसमें टाइम नहीं बर्बाद करना चाह रहा। अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो वो मैंने लिंक भेज दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये इस ऐप का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इस ऐप को मैं यूज़ करता हूँ, मेरे लिए हेल्प करती है, मैंने अपने और भी दोस्त को बताया, इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें। और इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।